हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 74वां स्वतंत्रता दिवस जिले भर में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। कलेक्टर अंशदीप ने किया ध्वजारोहण, पुलिस जवानों द्वारा परेड कर कलेक्टर को दी सलामी, एडीएम चौधरी ने राज्यपाल के नाम दिया भाषण, प्रदेश भर में किए गए लाभकारी योजनाओं के बारे में दी जानकारी, कोरोना को लेकर प्रशासन द्वारा दी गई गाइडलाइन की पालना को लेकर दिलाई गई प्रतिज्ञा। जिला स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह 15 अगस्त श्री बांगड़ स्टेडियम में मनाया गया। समारोह में मुख्य अतिथि द्वारा झंडारोहण के बाद परेड का निरीक्षण कर पुलिस मार्च पास्ट किया गया। माननीय राज्यपाल के संदेश का पठन अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा किया गया। उसके बाद बैंड द्वारा देशभक्ति गीतों की स्वर लहरियों के प्रस्तुत करने के बाद कोरोना बचाव की सामूहिक शपथ दिलाते हुए राष्ट्रगान किया गया। राज्य सरकार के निर्देशानुसार 15 अगस्त को कोरोना महामारी संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए योग्यता प्रमाण पत्र अथवा पुरस्कार वितरण संबंधी कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। जिले के समस्त अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि उनके कार्यालय में किसी भी प्रकार योग्यता प्रमाण पत्र अथवा पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम नहीं किया गया। समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क पहनने की विशेष रूप से पालना की गई। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर ने 60 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्ध, बीमार, गर्भवती महिलाओं एवं 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को समारोह में एंट्री नहीं दी गई। जिनकी वजह से हम सब आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आजादी के बाद देश के महान नेताओं ने विकास का लंबा सफर तय करते हुए लोकतंत्र की मजबूत नींव रखी है, जिससे भारत का मस्तक दुनिया के देशों के सामने हमेशा ऊंचा रहा है। जागरूक टीवी के लिए पाली से हस्तपाल सिंह की रिपोर्ट।